सर, जो सुप्रिया मेरी बहन ने जो अभी बताया है कि जब अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को जाते हैं, बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। श्री मलुक नागर जी, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। मैं आज के इस गिरिराज जी, आपके पास में शील्ड होनी चाहिए सबको डिस्टर्ब करने की। सब बहुत महत्वपूर्ण बिल है ये, और असलियत में देश का भविष्य को कैसे सुधारा जाए इसकी शुरुआत है इससे। मेरे लिए दोनों, आप तय कर लो। यू एड्रेस टू चेयर, काइंडली एड्रेस टू चेयर। लेकिन आप मंत्री लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। काइंडली एड्रेस टू चेयर। जी जी जी, उनको 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 हक है और अधिकार है। तो सब एक्चुअल में अभी मेरा बोलने का नंबर पहले था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी उनका कोई अपॉइंटमेंट था, मेरा नंबर कट गया और मुझे जो इंतजार करना पड़ा, मैं बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था। सब बड़े बड़े अच्छे काम की बात कह रहा हूँ, ये मतलब की बात है। तो अगर जो सुप्रिया मेरी बहन ने जो अभी बताया है कि जब अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को जाते हैं और देख लेते हैं ये अडॉप्ट करना है, ये मेरे माँ बाप बनेंगे, बच्चे को देख लेते हैं ये हमारा बच्चा बनेगा, और 6 महीने तक जो प्रोसेस या प्रोसीजर जो चलता है उसके बाद क्या हालत होती है पता लगी 6 महीने के बाद, वो रिजेक्ट हो गए और वो छोड़ना पड़ा बच्चा। हम पे 10 मिनट नहीं झिली यहाँ पे इंतजार करने में, और 6 महीने वो माँ बाप के लिए इंतजार कर रहा है, मुझे माँ बाप मिलेंगे, जरा सोच के देखो क्या हालत होती होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा तरीका लगाया जाए। गिरिराज जी काम की बात आ रही है, गिरिराज जी आपके लिए ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे 2-3 दिन में फैसला हो जाए ये अडॉप्शन कंप्लीटली लीगल है या ले सकते हैं या इसमें पेंडिंग डाला जाएगा। दूसरा साहब, मैं भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में लॉ एंड जस्टिस कमेटी, पर्सनल कॉमा पब्लिक ग्रीवेंसेस, काफ़ी शक्तिशाली कमेटी, उसमें हूँ और बड़ा रिसर्च करी है इस सब्जेक्ट पे। तो वहाँ मुझे झटका लगा मंत्री जी, गिरिराज जी अब काम की बात आ गई आपके लिए, झटका लगा सच में इस देश में वन नेशन वन टैक्स GST, वन नेशन वन टाइम वोटिंग सिस्टम और अडॉप्शन के लिए 3 कानून, सारी चीजों के देश एक और देश में एक एक चीज होती जा रही है और कानून 3, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिम लोगों के लिए अलग। और जो सबसे झटका लगने वाली बात है कि बाबा साहब अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा है उनके वंशजों के लिए कानून ही नहीं है। पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर परमिशन आएगी, जब शुरुआत होगी एडॉप्शन के प्रोसीजर की, कोई सेट आज कानून अभी तक नहीं है। बड़ा झटका लगा था। तो इस पे सरकार जरूर गंभीरता से ले और इसको सरल प्रक्रिया कराए। दूसरा साहब, अभी हमारे साथी बोल रहे थे शिवसेना वाले, आप उम्र को घटाओ, बहुत अच्छी बात है और संशोधन जो कर रहे हैं सरकार ये मानती है कि इसकी ज़रूरत है और हम सब लोगों को उसका आगे बढ़ के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन साहब इसमें सोचने वाली बात एक है कि जो लोग बाल गृह में रहते हैं, जो प्यार देने की बात कर रहे थे, जो उनकी मां देने की बात कर रहे थे, अगर बचपन में किसी को ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम हुई है और ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से कोई डिसऑर्डर के शिकार हुए हैं तो उस समय उसको प्यार के अलावा साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है जिससे उनका प्रॉपर इलाज करा जा सके और जिससे उनकी जमानत के बाद वो कोई दूसरा अपराध या कोई गलत काम ना कर पाए जो उनके लिए नुकसानदायक हो, प्रदेश के लिए नुकसानदायक हो, या देश के लिए नुकसानदायक हो, या आने वाले समय में सबके लिए नुकसानदायक हो। इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है सर। और सब जो
प्यार कैसे दें, उसकी बहुत लंबी डिटेल में परिभाषा है, वो बहुत अच्छी बात थी। और आजकल खास करके इस कोरोना रूपी बीमारी के बाद जो हम लोगों को 90% लोगों को ये नहीं पता लगा कि हमें कोरोना हुआ या नहीं हुआ, और कोरोना के बाद मैंने पहले भी कहा है शरीर के अंदर जब सब खपाई एकदम खत्म कर रहा हूं, शरीर के अंदर उस बीमारी की और शरीर की जो लड़ाई होती है, जैसे कार को तेज चलाते हैं पूरा और गाढ़ा हो जाता है बॉबी लाइल बहुत दिन तक ना बदलो, तो इतनी तकड़ी लड़ाई लड़ने के बाद जो खून गाढ़ा हुआ है इससे ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चों का भी और बड़ों का भी, और घरों में जहां प्यार मिलना चाहिए वहां प्यार के बजाय कई बार डांट मिलती है, कई बार छोटा मोटा टचिंग भी हो जाती है। तो उसमें भी हमको जरूरत है, और सरकार की तरफ से ऐसा कोई तरीका इसमें निकले, खास करके कि जो कानून में आज जो अमेंडमेंट हुआ है, ये बहुत दिन से रिसर्च होने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, और जो सरकार ने महसूस किया अपने साथियों के या खुद जो व्यवहारिकता में दिक्कतें थी उनको देख करके कर रहे हैं, कोरोना भी चल रहा है, तो इसको ध्यान में रख के जो देश की जनता के 90% लोगों के जो स्वभाव चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे बगैर मतलब के नाराज हो रहे हैं, बड़े बगैर मतलब के लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसको कैसे कंट्रोल करें, इस पे भी बहुत गंभीरता सोचने की जरूरत है, जिससे वो भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम से बचें, डिसऑर्डर से बचें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई अपराध करने से भी बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।